with the same team, working with Nushrat, Sunny, Lassar, everyone, I mean, from the team of Kartik Aaryan as well as Sonu-ke. Sabke saath ek ease hai, sabke saath ek comfortable hai kaam karne ka, pata hai isko कौन इस चीज में क्या रिएक्शन है, आप अपने आप को पहचान जाते हैं कि ये चीज मत करो सामने वाले के साथ. एंड एंड आई थिंक बहुत कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ इसलिए भी है क्योंकि सबको अपना काम आता है एंड सब लोग एक दूसरे की काम वाइज वर्क वाइज बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. मुझे पता है कि सभी कैसे काम करता है, इतना अच्छा काम करता है, दूसरे कितना अच्छा काम करते हैं. मतलब सर ऑब्वियसली मतलब वो हम सबसे अच्छा काम निकलवाते हैं. So, एक वो बैलेंस बन गया सबके बीच में, तो वो एक हमारी बहुत पॉजिटिव स्ट्रेंथ है. आई मीन कभी भी हमारी फिल्म भी अगर आ रही होती है तो लोग उसको उस तरीके से देखते हैं कि अच्छी फिल्म आ गई. एंड क्योंकि हम लोग अपनी स्ट्रेंथ पे काम करते हैं एंड वीकनेस इसमें हमारे पर्सपेक्टिव में कुछ भी नहीं है. मतलब मेरे को ऐसा वीकनेस कुछ दिखता नहीं है. मेरे को एक मतलब एक ऐसा एक्सटेंडेड फैमिली सा बन गया, उसको मैं वीकनेस नहीं कह सकता किसी भी चीज में. मतलब ये स्ट्रेंथ है. आपकी मूवी में एक और लाइन है जिसका लाइन है इतना परफेक्ट कोई नहीं हो सकता है. आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई लड़की परफेक्ट क्यों नहीं हो सकती है? देखिए मेरा उसमें ना एक ये कहना है कि एक ऐसी लड़कियां जो जितनी परफेक्ट जिसमें दिखाया जा रहा है लड़की को वो 92 में हम आपके हैं कौन में मैंने ऐसे परिवार वैसे फिर उसके बाद अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इतनी परफेक्ट ब्राइड मतलब ये बहुत टू कॉम्प्लिकेटेड वाली सिचुएशन है. इतना सही होता है ना तो हमेशा ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़. तो वो चीज में सोनू थोड़ा फंसा हुआ है कि टीटू जिसके लिए वो इतना सोचता है, जिसका ख्याल इतना रखना चाहता है वो लाइफ में, उस दोस्त की लाइफ में जब बीटी आ रही है और वो इतना सीधा अपने आपको बता रही है, दिखा रही है, तो क्या वो सही में इतनी सीधी है या नहीं, वो सोनू मुझे लगता है. ऐसा कुछ जो है कि हुआ है आपके साथ? थैंक यू. हुआ है बहुत बार. मतलब वैसे कई लोगों के साथ होता है कि आपका फ्रेंड किसी रिलेशनशिप में आ जाता है, सडनली आप फ्रेंड भी हो जाते हैं और आपके लिए टाइम भी होता है दोस्तों. ये कह सकते हैं कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन क्योंकि एक तरफ दोस्त और एक तरफ प्यार है तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. कभी कभी ये नाराज ना होता है, ये नाराज ना होता है तो अक्सर ये काफी लोगों के साथ होता है. तो ये वो इश्यू इट्स ऑन इट्स लाइक रियली डिफिकल्ट. और उन्होंने जो पहला गाना दिल चोरी साटा हो गया इस फिल्म में जो आया है वो सब बाद उनका एक गाना है एंड अगेन वो सुपर डुपर हिट हुआ है वो गाना. एंड उसके बाद छोटे छोटे पैक जो भी दो दिन पहले परसों जो रिलीज हुआ वो ऑलरेडी चार बजे से ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है. सो मतलब इससे ज्यादा क्या होगी. मतलब वो बहुत ही अच्छी सिचुएशन में कि ट्रेलर भी इतना वेल रिसीव हुआ है, इतने अच्छे से और जो भी गाने भी आए वो भी सबको बहुत पसंद आ रहा है. सो वो कोई भी गाना बनाते हैं वो यही होता है. So Sunny, what are your expectations for the movie? इतने सारे views मिले हैं movie को already, trailer को already इतने सारे views मिले हैं. What do you want to say? कि क्या expectations हैं आपको movie से? I'm just waiting for the release. I'm very excited because मैं यही है कि बहुत प्यार मिला था कपूर सर दूसरे और इस बार भी हमें ये बताया कि जब आप आ रहे होंगे तो जल्दी तो जल्दी के भी smile on face. परेशान हो क्योंकि अगर आप बात करें एक है कुछ मतलब रिलेशनशिप में ऐसे गलत रिलेशनशिप में जब आप होते हैं साथ में तो आदमी कितना फ्रस्ट्रेटेड रहता है कोई वो आई थिंक वो सीरीज अलग ही है. सोनू के लिए भी स्वीटी बहुत एक रिलेशन के ऊपर एक रिलेशन के ऊपर है. तो एक दोस्त जब एक दूसरे दोस्त की सिचुएशन समझ पाता है जिसमें वो गड़बड़ कभी ऐसा लगता है कि वो मैं जैसे सोनू हूँ, टीटू है, स्वीटी है, सोनू कैसे
कीटू को थोड़ी लाल दिखा रहा है कि यार स्वीटी शायद से गलत है, शायद से सही है, उसको भी नहीं पता है. लेकिन वो उस रास्ते से जा रहा है जहाँ पे वो डिसाइड कर रहा है कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि इतना सब सही नहीं रहा. तो ये बहुत माइन्यूट लेवल पे लगेगा आपको कि मतलब डिफरेंस है, लेकिन बहुत बड़े डिफरेंस है. क्योंकि आपको ये लड़के को कैसे रखते हैं किसी और से झगड़ा करके. इस बार plus you see there is so there must be like for the name only you can make it. It's a different film. Mm-hmm. You prepare the another campaign was very intense and serious scene. So uske liye maine kafi preparation kari thi aur मतलब I have to listen to a song, मैं किसी से बात नहीं करना, family में किसी से बात करा था. So I think it took me around 2 hours to prepare that, and when I came there, as on the set, the song was playing and I was into it, and I was ready. Chab chab they were getting ready and I said, oh, when they action me and I was into the song. So at that time, the whole schedule, I was into it, and when I came out of that, it was like another world.